आप सभी ऑटो गियर वाले स्कूटर चलाते होंगे, कभी जाना है ये काम कैसे करता है। विश्व के कई देशों में ऑटो गियर वाले स्कूटरों को बहुत उपयोग में लाया जाता है। ये ऑटो गियर वाले स्कूटर CVT कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आज की वीडियो में स्कूटरों में प्रयोग होने वाले CVT सिस्टम को बहुत ही साधारण एनिमेशन द्वारा समझाया गया है, इसलिए वीडियो पर बने रहें। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद कमल में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने विचार कमेंट जरूर करें। एक सिंपल पुली पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में एक ड्राइवर पुली, चालक घिरनी और एक ड्रिवन पुली चलित घिरनी होती है, जिनका व्यास भिन्न भिन्न होता है। एक निश्चित लंबाई की वी बेल्ट इन दोनों घिरनियों के बीच में चलती है। ज्यादा RPM प्राप्त करने के लिए ड्राइवर पुली के व्यास को बढ़ाने और ड्रिवन पुली के व्यास को कम करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त अधिक टॉर्क आघूर्ण प्राप्त करने के लिए ड्राइवर पुली के व्यास को कम और ड्रिवन पुली के व्यास को बढ़ाना पड़ता है। इस प्रकार ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली के व्यास को कम ज्यादा कर विभिन्न प्रकार के ड्राइवर रेशियो प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु किसी भी ठोस घिरनी के व्यास को ऐसे ही बदला नहीं जा सकता। इसलिए इंजीनियर्स ने एक वेरिएटर असेंबली का प्रयोग किया। यहाँ पर पुली के लिए दो शंकु आकार के प्लेट्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें से एक इनपुट शाफ्ट को फिक्स होती है और दूसरी शंकु प्लेट फ्री होती है जो अपनी अक्ष पर मूव कर सकती है। इन दोनों प्लेट के बीच वी बेल्ट चलती है। रियर साइड में भी दो शंकु प्लेट होती हैं जिनमें बेल्ट चलती है। इसमें से एक प्लेट फिक्स और एक साइड में घूमने के लिए फ्री होती है। एक संपीड़न स्प्रिंग बल लगाकर फ्री प्लेट को अपनी जगह बनाए रखती है, जिससे शंकु प्लेट आपस में नज़दीक रहें और बड़े व्यास की पुली प्राप्त हो। ड्राइवर पुली में ब्लेड की अक्षीय स्टिफनेस से शंकु प्लेट अपने अक्ष पर आपस में दूर जाती है, जिससे कम व्यास का पुली सिस्टम मिलता है। इस प्रकार हाई टॉर्क और लो RPM मिलता है। हाई RPM प्राप्त करने के लिए ड्राइवर पुली का व्यास कम और ड्रिवन पुली का व्यास बढ़ाने की आवश्यकता होती है। इसलिए वास्तविक स्कूटर में ड्राइवर पुली में फ्री शंकु प्लेट में रोलर के सेट होते हैं। जब इंजन लो RPM पर चलता है और इंजन के अधिक RPM पर चलने पर रोलर रैंप प्लेट में बाहर की ओर विकेंद्र बल के कारण जाते हैं। रैंप प्लेट शंकु प्लेट से जुड़ी होती है, इस कारण से यह फिक्स प्लेट की तरफ मूव करती है और पुली का व्यास बढ़ जाता है। इससे हाई RPM और लो टॉर्क की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त इस ट्रांसमिशन सिस्टम में अभिकेंद्री क्लच असेंबली होती है, जिसके आंतरिक भाग में एक भार भुजा होती है जो एक्सटेंशन स्प्रिंग से अपने स्थान पर बनी रहती है। ये भार भुजा पुली से जुड़ी रहती है। क्लच असेंबली हाउसिंग आउटपुट गियर से जुड़ी हो रहती है। जब पर्याप्त अभिकेंद्र बल मिलता है तो भार भुजाएं बाहर की ओर जाती हैं, जिससे घर्षण प्लेट क्लच हाउसिंग के संपर्क में आती हैं और पावर क्लच हाउसिंग से रियर व्हील तक गियर ट्रेन से जाती है।